मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं यूटेक। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो के अंदर मैंने स्पीकर के कुछ कंपैरिजन बताए थे, जैसे कि जेबीएल और सोनी और पाइनर हो गया। और साथ ही में मैंने आपको स्पीकर के कुछ आरएमएस वैल्यू के बारे में बताया था कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है एंड पीक वोल्टेज क्या होते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैंने कुछ कंपेरिजन बना रखे, जैसे कि स्पीकर क्या होता है, वूफर क्या होता है, सब वूफर क्या होता है। तो दोस्तों पिछली वीडियो कुछ ऐसी थी, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बात ये करने वाले हैं कि किसी का जो स्पीकर है वो केवल ट्रेबल निकाल रहा है और बेस कम निकाल रहा है, या फिर स्पीकर भी अच्छा है, क्वालिटी का स्पीकर है, कॉन वॉन भी अच्छा है, या फिर एम्पलीफायर की कुछ गड़बड़ है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको कोई भी चेंजमेंट जो है नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल और केवल एक ऐप डाउनलोड करना है जिसकी मदद से आप स्पीकर की बेस के अलग को कुछ गुना सुधार सकते हैं। और साथ ही में आप जो स्पीकर से लो बेस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर पाइनर वगैरह हो गया आपके पास स्पीकर, तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो लो फ्रीक्वेंसी है वो निकाल पाएंगे, या लोकल स्पीकर भी आपके पास है तो उससे ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लो फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर पाएंगे। कहने का मतलब ये कि लो फ्रीक्वेंसी आपको अच्छी मिल जाएगी उस ऐप से और बेस तो आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों उस ऐप के यार बात करने वाले वीडियो में पूरी उसी के बारे में बताऊंगा कि वो ऐप जो है कैसा है, कैसे यूज़ करना है उसको, और सारी चीज़ें मैं आपको आज वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करना जो बिल्कुल फ्री है। वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट आप जरूर से कर सकते हो, आपको जो कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ लेना, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे आपका जो ओपिनियन है वो भी कमेंट के अंदर बता सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं अपन एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने प्ले स्टोर को ओपन कर दिया है, आपको भी इसी टाइप से प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और यहाँ पे क्या सर्च करना है वो आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन खोल लेते हैं, और यहाँ पे आपको लिखना है बेस BUSTER, ठीक है, बेस बूस्टर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐप आ जाएंगे, आपको किसी पे नहीं जाना है, ये सारे जो है ये फर्जी है, जिस पर अभी 10 मिलियन है, 1 मिलियन है, ये सारे जो है डीजे वालों के लिए। आपने को अगर पर्सनल होम के लिए चाहिए उसके लिए ये वाला बेस्ट है। तो दोस्तों इसको जो मैंने डाउनलोड पहले से कर रखा था काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसकी स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ, किसकी आवाज़ में ये स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो दोस्तों इसकी आवाज़ में ये स्पेसिफिकेशन है कि ये जो है मतलब आपके ईयरफोन की वॉइस है उसका जो ट्रेबल है उसको हल्का सा कम करके आपके किसी भी ईयरफोन के अंदर अच्छा बेस निकाल देगा, या होम थिएटर पे आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी अच्छा बेस निकाल देगा। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये जैसे कि आपको यहाँ पे ऑफ मिलेगा तो आपको इसको ऑन करके गाना बजाना है, तो आप गाना बजाओगे तो आपके स्पीकर में अपने आप ही बेस निकलने लग जाएगा और लो फ्रिक्वेंसी जो आपको चाहिए वो मिल जाएगी। हाँ तो फ्रेंड्स आपको केवल इतना सा काम ये करना है कि आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, साथ ही में आपको बेस बूस्टर का जो ऑप्शन मिलेगा उसको ऑन कर लेना है। इस ऐप में आपको और कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऐप जो है खुद से कर लेगा, आपको कोई भी उसके अंदर एडजस्टमेंट में एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं, उस वाले ऑप्शन को ऑन ही मत करना, आपको केवल बेस बूस्टर ऑन करना है। तो फिर आपका जो फ़ोन है उसकी इस साइड में यहाँ पे हेडफोन का साइन और आने लग जाएगा, तो समझ जाना कि वो ऐप ऑन है। फिर आपको करना ये होगा कि आपको कोई भी सॉन्ग प्ले करना है, तो फ़ोन के अंदर तो आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप ईयरफोन में यूज़ करके सुनोगे ना तो आपको क्वालिटी का पता चल जाएगा। पहले आपको ईयरफोन यूज़ करना है उस ऐप को बिना यूज़ किए, और फिर आपको ऐप को यूज़ करके फिर ईयरफोन से गाना सुनना है, तो आपको क्वालिटी का बिल्कुल पता चल जाएगा। ईयरफोन थोड़े से अच्छे आप काम में ले लीजिएगा, और गाना जो है जरूर से चलाओ तो आप लो फ्रिक्वेंसी वाला या फिर बेस बूस्टेड ही चलाना, तो आपको जो आवाज़ का पता चल पाएगा। नॉर्मल गाने में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही में बात करें एम्पलीफायर की, तो आप एम्पलीफायर में भी इसको जरूर से काम में ले सकते हो। अगर आपके पास 1200 वाट के दो टॉप है तो उसमें आप चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेस ये निकाल देगा उस टॉप के अंदर। साथ ही में एम्पलीफायर के अंदर आउजा वगैरह तोशिबा या फिर जैसी का किसी भी एम्पलीफायर में आप इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत आपके साथ में नहीं आने वाली है। ब्लूटूथ स्पीकर में आप इसको यूज करना चाहोगे तो ब्लूटूथ स्पीकर में भी आपके साथ चल जाएगा। साथ ही होम थिएटर में आपको चलाना तो 2.0, 5.0, 5.1, 4.1, 4.0 किसी में भी आप चलाओगे तो आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आएगी आपको। तो दोस्तों यही थी वीडियो, वीडियो को कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, चैनल में जो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ऐसी वीडियो को देखना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मिलता हूँ किसी ऐसी दूसरी वीडियो के अंदर, जब तक के लिए देखते रहे यूटेक।